हेलो दोस्तों, टैक्स न्यूज इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गोल्ड सेविंग स्कीम अकाउंट, जो कि नया लॉन्च किया जाना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसको हम कहेंगे गोल्ड सेविंग अकाउंट। ये क्यों लॉन्च किया जा रहा है और क्या इसके फीचर होंगे, ये हम आप सबको बताएंगे। दोस्तों, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इंडिया का, यानी कि इम्पोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, उसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विचार किया है कि सबसे ज्यादा क्या है कि इंपोर्ट ऑफ गोल्ड, उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट जो हो रहा है। ये गोल्ड इंपोर्ट को कैसे कम किया जाए, इसके बारे में टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो स्कीम्स लेकर आती रहती है। दूसरा, क्रूड ऑयल और एडिबल ऑयल है, नीति आयोग ने गोल्ड सेविंग स्कीम प्रपोज की है। तो गोल्ड सेविंग अकाउंट क्या होगा, उसके बारे में हम बताएंगे। ज्यादातर लोग क्या है, गांव के क्षेत्र के, वो गोल्ड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जब भी सेविंग उन्होंने करनी होती है तो वो गोल्ड खरीद लेते हैं, और जब उनका कोई शादी होती है या त्योहार होता है, वहां पर आप अपना जाकर गोल्ड की ज्वेलरी बनवा लेते हैं, कॉइन्स में चेंज कर लेते हैं। लेकिन इस सब में दोस्तों जो है, काफी सारे एक्सपेंडिचर उनको करने पड़ते हैं। तो उसके अंदर गोल्ड सेविंग अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ी है? लोग सेव करते हैं गोल्ड के बीच में, तो लेबर चार्जेस उन्हें पे करने पड़ते हैं, टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, सेफ्टी जो है वो भी इशू, गोल्ड को संभालने के इशू खड़ा हो जाता है, और प्योरिटी के भी इशू होते हैं। लॉकर में गोल्ड को संभालने का जो है वो खर्चा भी देना पड़ता है। इन सारी चीजों को देखते हुए गोल्ड सेविंग अकाउंट की प्रपोजल लेकर सरकार आई है। इससे जो क्या है कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होगा। तो गांव के लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा गोल्ड के ऊपर ही विश्वास रखते हैं, तो उनकी आदतों को चेंज करना बड़ा ही मुश्किल है। तो सरकार ने गोल्ड सेविंग अकाउंट से प्रपोजल दी है। इसके अंदर क्या होगा, गोल्ड सेविंग अकाउंट के अंदर इसमें कोई पीरियड नहीं होगा, आप जितना टाइम रखना चाहें अपना अकाउंट रख सकते हैं। जैसे गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है, 8 साल का पीरियड होता है और 5 साल में कैश करा सकते हैं। लेकिन जो गोल्ड सेविंग अकाउंट होगा, इसका कोई पीरियड स्पेसिफाइड नहीं होगा, चाहे 1 महीने बाद ही वो सारे के सारे गोल्ड सेविंग अकाउंट में से पैसे निकलवा सकते। जनधन योजना के अकाउंट थे वो काफी सफल हो चुके हैं, उनको देखते ही हुए ये गोल्ड सेविंग अकाउंट की प्रपोजल दी गई है। तो इसके अंदर क्या होगा कि गोल्ड की वैल्यू के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। जो बैंक होंगे वो हर रोज जब भी कोई जमा करवाएगा, पैसे जमा करवाएगा, तो उसको गोल्ड की वैल्यू पे जो उस दिन की होगी उसके कन्वर्ट करके उसको ग्राम्स में दिखाएंगे। और ऐसे ही विड्रॉल के टाइम पे भी अगर आप चाहें गोल्ड भी निकाल सकते हैं और गोल्ड के बदले पैसा भी निकाल सकते हैं। वो वही कन्वर्जन रेट होगा जो एक बैंक के अंदर दिखाया जाएगा, डिपॉजिट और विड्रॉल का सेम रेट ही होगा, तो ट्रांजैक्शन रेट के बीच में ही दिखाए जाएंगे। चाहे रुपए निकालते हैं हम, चाहे रुपए जमा करवाते हैं, वो उसको गोल्ड में कन्वर्ट करके ही दिखाया जाएगा। इसके अंदर डिपॉजिट या विड्रॉल आप कभी भी कर सकते हैं, तो सिंगल रेट के ऊपर कन्वर्जन होगी, चाहे डिपॉजिट है चाहे विड्रॉल है। तो इसके अंदर क्या है कि इंटरेस्ट 2.5% रेट ही दिया जाएगा, और ये महीने के अंत में गोल्ड की वैल्यू के हिसाब से गोल्ड के ग्राम में ही किया जाएगा, क्योंकि जो गोल्ड की पासबुक बनाई जाएगी गोल्ड सेविंग अकाउंट की, वो ग्राम्स में होगी। तो वो जितना भी आपका इंटरेस्ट बनेगा वो आपका गोल्ड के ग्राम्स में ही दिखाया जाएगा। रिडेम्पशन अगर आपने करवानी है, तो वैसे तो सरकार चाहती है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं गोल्ड अकाउंट में से गोल्ड ही वापस लूं, तो वो बैंक को चाहिए कि वो ही दे। लेकिन शुरुआत में हो सकता है कि बैंकों की ये फैसिलिटी देने की कैपेसिटी ना बने, तो बैंकों को ये छूट दी जाएगी कि वो रुपए में भी पैसे वापस कर सकते हैं। और रिडम्पशन इस प्रकार से गोल्ड में भी करवाई जा सकती है और रुपीज में भी करवाई जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने किसी रिश्तेदार को या फ्रेंड को गोल्ड सेविंग अकाउंट से ट्रांसफर करना है, और दूसरे व्यक्ति के पास भी गोल्ड सेविंग अकाउंट है, तो उसको ट्रांसफर भी की जा सकती है। तो एक तरह से ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट ही बन जाएगा। और अगर विड्रॉल आप गोल्ड के अंदर ही लेते हैं, तो आपको कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि कोई कोई भी कैपिटल गेन की प्रपोजल नहीं है। तो ये दोस्तों पूरी स्कीम है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि वो फिजिकल गोल्ड की बजाय डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएं और एक तरह से सेविंग अकाउंट बना ले, और जब चाहे पैसा उसमें डाल दें, जब चाहे पैसा उसमें से निकाल लें। तो वो सारी कन्वर्जन जो होगी उस पर्टिकुलर डेट की, जिस दिन ट्रांजेक्शन हम करेंगे उस वैल्यू के ऊपर होगी। तो ये पूरी गोल्ड की स्कीम है जो नीति आयोग ने प्रपोज की है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।